कल्पना सरोज इंडिया की पहली बिजनेस वुमन जिनका बर्थ 1961 में महाराष्ट्र के रापरखेला विलेज में हुआ था। सरोज के फादर रापरखेल विलेज में पुलिस कांस्टेबल थे। सरोज तीन बेटी और दो बेटों में सबसे बड़ी थी। उनकी 12 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी थी। वो अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ मुंबई के स्लम इलाके में रहती थी। उनके हस्बैंड की फैमिली ने उनका फिजिकल एब्यूज किया, जिसके बाद उनके फादर ने उन्हें बचाया और अपने पति को छोड़कर वो वापस अपने गांव अपने पेरेंट्स के साथ रहने आ गई। विलेजर्स ने उनका बहिष्कार किया, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन 16 साल की उम्र में वो फिर से मुंबई अपने अंकल के साथ रहने गई। उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। सेडुल कास्ट पीपल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए लोन का यूज करके उन्होंने सक्सेसफुली टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया एंड फर्नीचर स्टोर भी ओपन किए। बाद में कमानी ट्यूब्स कंपनी के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने के बाद उस कंपनी को फिर से प्रॉफिट मिलाया।